एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेकअप चेयर पर चांदनी सिंह पे। आज मैं आप सबके लिए एक डिफरेंट चीज लेके आई हूँ। मैं आपके लिए एक फेशियल किट लेकर आई हूँ जो कि ओजोन ब्रांड ने भेजी है। वो एक वाइटनिंग किट है। मैं आज आपको उसके बारे में बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज दूंगी, खुद पे टेस्ट एंड ट्रायल करूंगी। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइज, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये ओजोन फेशियल वाइट फेशियल किट। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ये मुझे इसी ब्रांड ने सामान भेजा है और मैं आपको अपने ऑनेस्ट रिव्यूज दूंगी इस पे। गाइस, आप देख सकते हो ये मेरा फेस है बिफोर। मैं अब फेशियल करूंगी और आप इसके आफ्टर रिजल्ट्स देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डी टैन फेशियल क्लेंजर के साथ। ये हमारी किट का फर्स्ट पार्ट है। अब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी और अच्छे से फेस को मसाज करूंगी। जरूरी नहीं होता कि हम फर्स्ट स्टेप हमारा फेस वॉश का है तो हम किसी भी तरीके से मसाज करेंगे। हम उसको अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही रखेंगे। हमारी हमेशा किसी भी क्लेंजर के साथ मसाज शुड बी इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, जिससे हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे एंड में। गाइस, कभी भी मत भूलिएगा कि जो हम अपने फेस पे लगा रहे हैं वही हम अपने नेक पे भी लगाएंगे और हमेशा अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही हम क्लेंजिंग करेंगे। अपने फेस को वॉश करूंगी और फिर मैं आपसे मिलूंगी। मैं अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ। अब हम अच्छे से क्लीन टॉवल से, बहुत सॉफ्ट मटेरियल टॉवल है ये, इसकी सहायता से हम अपने फेस को पैट ड्राई करेंगे। बहुत जोर की ड्राई नहीं करेंगे, पैट ड्राई करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फेस के साथ बहुत हार्शली ट्रीट करते हैं, बहुत रगड़ रगड़ के फेस पे टॉवल करते हैं, बट यू हैव टू बी लाइक वेरी जेंटल विद योर स्किन। Always do a pat dry like this. This is all purpose almond massage cream. ये इनकी kit का second part है। दिस इज द सेकेंड थिंग जो हमें अपने फेस पे लगानी है और इसकी हमें मसाज करनी है। पहले हम अपने फेस को थोड़ा सा वेट करेंगे, डैम्प करेंगे, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। तो आप देखते जाइए। अब गाइज, हम मसाज कर रहे हैं हमारे फेस की। फेशियल के स्टेप्स जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल सलोन जैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप ये घर पे किट लेके मसाज दे रहे हैं अपने फेस को, तो आपको सबसे पहले अपने पूरे फेस पे ये मसाज क्रीम लगानी है। फेस आपका वेट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। कभी भी ड्राई फेस पे हम मसाज नहीं करेंगे और हम बड़े ही जेंटल हाथों से अपने फेस को अपवर्ड्स एक मसाज देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ देंगे। हमने हर चीज अपने फेस पे अपवर्ड्स करनी है। ये हम नोज के सेंटर और फोरहेड के सेंटर तक लेके जा रहे हैं इसको। इसी तरह हम अपने आईज के अराउंड करेंगे। आईब्रो को पूरा घुमा के आईज के टियर डक्ट एरिया से ऊपर आते हुए हम इसी तरीके से मसाज करेंगे। और आप यही वाले स्टेप्स बार बार रिपीट कर सकते हो। ये सबसे सिंपल स्टेप हैं जो आप घर पे इजीली फॉलो अप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे क्रीम कम है तो आप मसाज क्रीम दोबारा ले सकते हो। कभी भी अपने नेक को नहीं भूलना, क्योंकि जितने लिए जितना हमारा फेस इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारा नेक भी इम्पोर्टेंट है।
अपने फेस पे आप 12 to 15 minutes की मसाज कीजिए। इससे हमारे फेस की ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी और हमारे फेस पे एक टाइटनिंग इफेक्ट खुद से बनेगा। इसी तरीके से आपकी भी सारी मसाज क्रीम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। जैसे कि अब हम अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं मसाज क्रीम वाला, बट एक चीज इस किट में बहुत वियर्ड लगी मुझे, इन्होंने हमें एक्सफोलिएशन क्रीम नहीं दी, जो कि आई थिंक बहुत जरूरी होती है। अगर आपको अपनी टैनिंग रिमूव करनी है, आपको अपनी डेड स्किन रिमूव करनी है, तो एक्सफोलिएट करना, स्क्रब करना स्किन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि इन्होंने किट में नहीं दिया। सो इस किट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे यही लगा, उन्होंने सीधा सेकेंड पार्ट के बाद हमें सीधा ही फेस पैक दे दिया। तो फेस पैक है ये, दिस इज द फेस पैक। आपको इसके बारे में अब बताते हैं। दिस इज द फेस पैक। थिक कंसिस्टेंसी है, बहुत ज्यादा भी थिक नहीं है पर बहुत ज्यादा लिक्विडी भी नहीं है। तो अब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश। थोड़ा सा अपने फेस को आप वेट जरूर कर लीजिएगा, जिससे ये इजीली ग्लाइड कर जाए। अब आप देख चुके हो कि मैं अपने फेस और नेक को पैक से कवर कर चुकी हूँ। अब हमने 10 to 12 minutes वेट करना है एंड लेट्स होप कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आपको मैं 10 से 12 मिनट के बाद इसका रिजल्ट बताती हूँ। सो गाइस, मैं अपना फेस पैक रिमूव कर चुकी हूँ 12 मिनट्स बाद। अब मैं इसको पैक ड्राई कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। आई थिंक मेरा फेस थोड़ा सा बेटर क्लीन लग रहा है पहले से, और बहुत अच्छा सॉफ्ट भी मुझे फील हो रहा है इसके बाद। बट तो गाइज, इस किट का बस मुझे यही एक इशू लगा कि इसमें एक्सफोलिएटिंग क्रीम नहीं दी इन्होंने, जो कि एक हमारे फेशियल का क्लीनअप का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सफोलिएशन, जो हमारे डेड स्किन को रिमूव करता है, टैनिंग को रिमूव करता है। तो एक्सफोलिएटिंग क्रीम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुल मिला के ये क्रीम अगर आप लेते हो तो आप ये सोच लेना कि इसके अंदर एक्सफोलिएटिंग क्रीम नहीं है इस किट के अंदर। अदरवाइज रिजल्ट्स आर वेरी नाइस। मुझे मेरा स्किन बहुत प्लम्प लग रहा है, हाइड्रेटेड लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अपने स्किन को टच करते हुए। आप क्लोजअप में भी देख सकते हो कि मेरा स्किन काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है, और जो कि हम यही चीज़ फेशियल के बाद मांगते हैं कि हमारा स्किन अच्छा लगे, ग्लोई लगे। तो मुझे मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा है। अगर आपको ये किट परचेज करनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको ज़रूर परचेज कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो देख के लगता है कि मेरे फेस पे रिजल्ट है तो। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ मेरी पसंद आती है तो मैं जल्द और ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून।